हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर का यूजेस ऑफ डिटरमाइनर सिखाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जानना है कि ये डिटरमाइनर्स क्या होता है। नाउन के पहले प्रयोग होने वाले शब्द को डिटरमाइनर्स कहते हैं, पर एडजेक्टिव्स नाउन के पहले भी और बाद में भी इसका प्रयोग होता है। डिटरमाइनर्स का रूप नहीं बदलता, पर एडजेक्टिव का रूप बदलता है। जैसे आ का रूप हमेशा एक जैसे ही रहता है, परंतु एडजेक्टिव का रूप बदलते रहता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो चलिए हम आपको कुछ यहाँ पर डिटरमाइनर्स का यूज़ हम सिखाएंगे। फर्स्ट में देखिए दिस। दिस का मतलब यह। इससे हम सेंटेंस बना लेते हैं, लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पर दिस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए दैट। दैट का मतलब वाह। दैट लेसन वाज बोरिंग। नेक्स्ट देखिए दिस, ये। लिसन टू दिस सेंटेंस। नेक्स्ट दोज, वे। डिड यू आंसर दोज लेटर्स यस्टरडी। अ, एक व्यक्ति या चीज, एक व्यक्ति या वस्तु के लिए इसका प्रयोग होता है, अ का प्रयोग। देयर इज अ माउंटेन फार अवे। नेक्स्ट देखिए एन, एक व्यक्ति या चीज, यानी जहाँ पर वॉवेल्स होता है वहाँ पर एक व्यक्ति या वस्तु के लिए इसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग। हैव यू एवर सीन एन अपोलो हॉस्पिटल। हैव यू एवर सीन एन अपोलो हॉस्पिटल। दी, यू विल फाइंड ऑल द म्यूजिक दैट यू लव। द का यूज हुआ। माई, मेरा या मेरी। कम एलॉन माई बॉय। आवर, हमारा। दैट इज आवर फर्स्ट विजिट टू मुंबई। नेक्स्ट हीज, पुरुष के लिए यानी मेल के लिए, उसका। सोहन हैज हर्ट हीज लेग। नेक्स्ट हार, स्त्री के लिए यानी फीमेल के लिए, उसकी, का के। दैट इज हर बुक। नेक्स्ट देयर, उनका। द चिल्ड्रेन पिक्ड अप देयर बुक एंड वॉक्ड टू द डोर। योर, योर का मतलब तुम्हारा या आपका। थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प। नेक्स्ट 14 में इट्स, उसका, यानी निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, निर्जीव वस्तु से संबंधित। द डॉग हैड हर्ट इट्स लेग। अब चलिए बच्चों, हम आपको सिखाते हैं मच और मैनी का यूज़ कैसे हम करते हैं। बच्चों, मच और मैनी दोनों का ही अर्थ होता है बहुत, परंतु दोनों डिटरमाइनर्स का प्रयोग में अंतर है। मच से मात्रा सूचित होता है, किंतु मैनी से संख्या। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन और मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में देख लीजिए मच का यूज़ कैसे होता है। मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज़ होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, हाउ मच How much milk do you want? अब ये जो milk देखिए, ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसको हम गिन नहीं सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज़ होता है। अब चलिए हम आपको मेनी का यूज़ सिखाते हैं। मेनी के साथ क्या यूज़ होता है? मेनी प्लस प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ मैनी का यूज़ होता है और इसमें काउंटेबल्स नाउन होता है, काउंटेबल नाउन। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हाउ मैनी लैंग्वेज Do you know? यानी मैनी के साथ क्या क्या यूज़ हो गया? प्लूरल नाउन्स हो गया और काउंटेबल नाउन हो गया। काउंटेबल नाउन भी इसके साथ प्रयोग होता है। तो बच्चों, आप यहाँ पर मच और मैनी का भी यूज़ सीख गए हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको यूजेस ऑफ डिटरमाइनर सिखा दिए। इसमें हम आपको कुछ डिटरमाइनर्स का यूज़ सिखाए हैं और मच और मैनी का यूज़ सिखा दिए। इस प्रकार से और भी बहुत सारा डिटरमाइनर्स का यूज़ होता है, जैसे बोथ एंड ईच, ऑल एंड एवरी, सम एंड एनी। इसी प्रकार से बहुत सारे डिटरमाइनर्स का यूज़ होता है। हम धीरे धीरे एक एक वीडियो में आपको हम सिखाएंगे। एक ही वीडियो में सारा सिखाने से फिर आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो हम आपको एक एक करके सारा वीडियो, हम आपको सारा चैप्टर का हम सिखाते रहेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे डिटरमाइनर्स का यूज़ होता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।